कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचते जाएंगे। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? पहले तो ये बताना है किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती, उसका पुरुषार्थ क्या है, मेहनत क्या करनी है उसके लिए। उत्तर, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए। अब बताओ ये कैसे हो सकता है? सामने आ जाए तो देखते भी ना देखो, कोई भी चीज सामने ना आए, सामने आ भी जाए तो देखते हुए भी ना देखो। महात्मा बुद्ध ने, मैंने आपको सुनाया था, कहा स्त्री को मत देखो, तो ये कैसे होगा? वो तो सामने आएगी। तो महात्मा बुद्ध ने भी यही लाइन कही, तो जागते रहो। अब वो उसका अर्थ समझे हो या ना समझे हो, देखते भी ना देखने का मतलब है जागृत अवस्था में रहो, और जागृत अवस्था बाबा की डायरेक्शन के मुताबिक मैं आत्मा हूं। स्मृति में रहना, स्मृति स्वरूप रहना, मैं आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं तो मुझे भी सामने सब क्या दिखाई देंगे, आत्मा दिखाई देंगे। यदि मुझे देह दिखाई दे रही है तो समझ लेना है कि मुझे आत्म विस्मृति है, मुझे आत्म स्मृति नहीं है, मैंने अपने आप को आत्मा समझा हुआ नहीं है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हम आत्मा हैं, ये स्मृति में रहना बहुत जरूरी। देह में रहते देही अभिमानी रहो, देह में रहते देही अभिमानी रहो, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि बस हमने सोचा और हो गया। बुद्धि में सिवाय बाप और घर, बुद्धि में सिवाय बाप और घर याद नहीं आए, सिवाय बाप और घर के कोई और वस्तु याद नहीं आए, कोई भी दूसरी चीज। मैं आत्मा हूं,
मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है, ये याद रहे। मेरा घर शांति धाम और घर याद होने का मतलब है मुझे मेरी अवस्था भी याद रहे। यदि मेरी अवस्था परम अवस्था नहीं है तो मैं शांति धाम में क्या हूं। जितना बनते जाएंगे उतना अनुभव करेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है। इसके लिए हमें अंतर्मुखी होकर अपनी जांच कर सकते हैं। ये ध्यान से समझने वाली बात है। हम अपने आप को आत्मा समझ सकते हैं, परमात्मा के पास हैं, अपरम अवस्था में हैं, ये समझ सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम कर सकते हैं तो स्वयं का परमात्म डायरेक्शन पर निरीक्षण कर सकते हैं, अपना चार्ट रख सकते हैं। परंतु दुनिया की कोई भी चीज याद नहीं आए, दुनिया की कोई भी चीज याद नहीं आए, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।